मैंने NIFM अराउंड जनवरी में ज्वाइन किया था, लगभग एक साल होने वाला है, अराउंड फोर मंथ्स बैक, मतलब 4 महीने बाद एक लगभग एक साल हो जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में मैंने सुभांशु सर से जो भी सीखा है वो ये है कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सबसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप है ना सारी चीज़ें सीख जाओगे 4-5 महीने में, लेकिन है ना अगर आपको कोई चीज़ रोकेगी ना तो वो खुद हो, जैसा उन्होंने बोला था कि आप खुद के ही दुश्मन रहोगे। तो अगर आपको जल्दी प्रॉफिटेबल होना है तो उसमें है ना आप खुद की ही हेल्प करो, जो आपके अंदर के डीमंस है ना आप उनसे ही फाइट करो। सबसे मुश्किल वही काम है, जितना मतलब अभी भी मैं अगर खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ ना, जो मेरी स्ट्रैटेजीज है जो सर ने मेरे को सिखाया, बाकी जो भी स्ट्रैटेजीज पे हम काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में आप बैक टेस्ट करोगे ना तो आपको लगेगा कि यार मैंने ये कैसे, ये इतनी सिली मिस्टेक थी, ये काम कर रहा है मेरा सेटअप। तब भी आप लाइव में तब ट्रेड करोगे ना तो वो वही चीज़ आप सिली मिस्टेक करोगे। तो मेन चीज़ मैंने सुभांशु सर से यही सीखी है कि जो भी आप करो बैक टेस्ट करो, डिसिप्लिन लेके आओ खुद के अंदर, बस वही है। बाकी फिर आगे सर ने बोला कि एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है तो आप अच्छा कर रहे हो इस जगह पे, तो और अगर आपको और थोड़ा एडवांस जाना है तो आप जॉब पे जाइए। तो फिर सर के गाइडेंस के अंडर फिर मैं जॉब गया और एक्चुअली क्या हुआ था, इधर सुभांशु सर ने बोला था कि 5.5 से नीचे नहीं जाने का। तो फिर जैसे वहाँ पर गए इंटरव्यू में तो उन्होंने बोला कि वैसे यूजुअली जो लोग जॉब पे जाते हैं अहमदाबाद में उनको पता होगा कि इधर पैकेजेस वगैरह अच्छे नहीं रहते अहमदाबाद में कंपेयर टू अदर सिटीज लाइक बैंगलोर। तो उधर यूजुअली पैकेजेस वगैरह अच्छे मिल जाते लेकिन अहमदाबाद में नहीं मिलती सैलरी इनिशियली। तो भी फिर सुभांशु सर ने मतलब उन्होंने काफ़ी इनिशिएट किया हम लोगों को लेके, तो हमको सैलरी भी अच्छी फिर सर की वजह से ही ऑफर हुई, नहीं तो फिर हमको नहीं देते वो लोग। तो फिर वहाँ पर इंटरव्यू में हमसे पूछा कि अरे तुम्हारे सर तो कुछ भी सारे थियोरेटिकल चीज़ें सिखाते हैं। तो फिर हमने वो एक्चुअली हमको चेक करना चाह रहे थे कि उस जगह पे कि हम लोग कितने पॉजिटिव हैं। हाँ कैलाश सर थे और जो एक रिसेंटली एक मतलब RMS के ऑपरेशन हेड थे, तो हमको वो थोड़ा सा ट्रिक कर रहे थे कि भाई तुम लोग मतलब क्या उस जगह पे क्या रिएक्ट करते हो कि तुम्हारे सुभांशु सर को कुछ भी नहीं आता, वो तुमको सिर्फ थियोरेटिकली सिखाते। तो फिर मैंने ना उधर थोड़ा वो चीज़ स्टैंड कर दी, नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग डेली लाइव सेशन हो रहे हैं वहाँ पर। हम लोग कोई अगर जिसको 2-3 महीने हो गए हैं वो लाइव में कर रहा है, कोई पेपर ट्रेड कर रहा है, ये चीज़ प्रैक्टिकली है ना। अब थ्योरेटिकल चीज़ें तो ऐसी हो जाती है कि यार ये RSI है तो 80 पे गए तो सेल, 40 पे आया तो हुआ है, ऐसा नहीं। तो वो थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग था। बट हाँ कॉर्पोरेट मेरे हिसाब से है ना, जैसे सुभांशु सर ने मतलब बोला था 4-5 मंथ्स मैंने NIFM में फुल टाइम दिया था, उसके बाद सर से 1-to-1 तब मेरा डिस्कशन हुआ। तो सर ने बोला कि देखो मेरे को भी जॉब करनी थी क्योंकि बिकॉज कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिन्हों मतलब आप देखना जो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन वगैरह कोई भी हो, बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हर्षद मेहता, उसने BSE में जाके जॉब की ही थी सीखने के लिए। तो मेरे हिसाब से है ना आपको ना इनिशियली अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो ना, तो जितना मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया और सर से सीखा है कि इनिशियली पैसे के बारे में इतना नहीं सोचना, लर्निंग जितना मिले ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ से सीखो कैसे भी सीखो, ORG में भी हम लोग हमारा बस यही है कि हमको सीखना है कैसे भी, ऐसा है। और कॉर्पोरेट की भी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत मतलब साइमल्टेनियसली बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, मतलब आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि कंपनी कैसे चलती है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें बहुत सर का हेल्प रहा, मैम का हेल्प रहा, कोई भी मतलब इवन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी नहीं, अगर आप इवन मैम से भी अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को लेके मैम से भी डिस्कशन करोगे, इवन सर से भी डिस्कशन करोगे, सर और मैम टोटल कम्युनिटी अच्छी। बस स्टॉक मार्केट में भी नहीं, अगर आपको अदर चीज़ें भी हैं, क्योंकि वो चीज़ मैं मतलब सबके सामने मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो सर ने मैंने पर्सनल लेवल पर देखा है कि सर ने ना दूसरों को हेल्प करी है जो कोई भी नहीं करता, इवन पर्सनल चीज़ में ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी। सो वैसे बोलने जाऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम।